वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 502 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पास पेपर से लिए गए हैं, आप इन तमाम क्वेश्चंस को देखें और इसकी स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी, इसको भी आप डाउनलोड कर सकेंगे और ये काफी हेल्प करेंगे आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। उसके सबसे पहला यहाँ पे है, हु इन ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग चेंज एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है चेंज एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। उसके बाद व्हाट कैन मैनेजमेंट डू टू क्रिएट अ मोर एथिकल कल्चर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या कर सकती है ज्यादा एथिकल कल्चर क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल चेंज एजेंट। आपको बताने हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक्सटर्नल चेंज एजेंट के, और डिस्क्राइब करना है, सिर्फ बताना नहीं बल्कि उसको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देनी है। उसके बाद है, व्हाट पर्पसेस डू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सर्व क्या करते हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है, व्हेन इट इज सेड दैट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज ड्यू टू सम इंटरनल फोर्सेस। जब ये कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है वो किस वजह से है, सम इंटरनल फोर्सेस की वजह से, देन व्हाट सॉर्ट ऑफ फोर्सेस यू विल रिकॉग्नाइज। सो कौन सी सॉर्ट ऑफ फोर्सेस है जिसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है इन चेंजेस के लिए। उसके बाद डिस्टिंग्विश करना है रोल को, मेडिएटर का, आर्बिट्रेटर का, कंसिलिएटर का और कंसल्टेंट का। उसके बाद व्हाट इज फ्लेक्स टाइम, फ्लेक्स टाइम क्या है एंड एडवांटेजेस क्या है फ्लेक्स टाइम के फ्रॉम एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव एंड द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। उसके बाद सर्वे फीडबैक इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट टेक्निक फॉर ब्रिंगिंग चेंज। सर्वे फीडबैक जो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट टेक्निक है चेंज लाने के लिए। उसके बाद है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस करने का जो पर्पस है वो क्या है। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ 360 डिग्री फीडबैक इन द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। 360 डिग्री का फीडबैक का जो रोल है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है, हाउ द स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस, किस तरीके से स्ट्रेस को रिकग्नाइज किया जा सकता है। उसके बाद है, डिफरेंशिएट बिटवीन द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में फर्क बताना है। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग एंड जॉब माइग्रेशन। इन तीनों के दरमियान फर्क बताना है, आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग एंड जॉब माइग्रेशन। उसके बाद इन योर ओपिनियन व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब रोटेशन। आपके ओपिनियन में क्या पॉसिबल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जॉब रोटेशन के। उसके बाद एक्सप्लेन टीम बिल्डिंग टेक्निक। टीम बिल्डिंग टेक्निक को एक्सप्लेन करना है, व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस यूज टीम बिल्डिंग टेक्निक फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्यों इस्तेमाल करती है टीम बिल्डिंग टेक्निक का ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस करने का पर्पस क्या है। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ 360 डिग्री फीडबैक इन द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड हाउ स्ट्रेस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, किस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। डिफरेंशिएट करना है जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन में। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑप्ट फॉर द प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसके बारे में और बताना है। उसके बाद है, हाउ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ इट्स एम्प्लॉय, ये बताना है। उसके बाद है, हाउ ISO हैज इंपैक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी किस तरीके से ISO ने इंपैक्ट किया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे। उसके बाद है, डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट मैनेजमेंट टेक्स टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉई। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स डिस्कस करें जो मैनेजमेंट लेती है रिव्यू करने के लिए एम्प्लॉई परफॉर्मेंस को। उसके बाद है, डू यू थिंक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रिड्यूसेस बायस एज कंपेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्या आप समझते हैं कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बायसेस को रिड्यूस करता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के मुकाबले में। और डिफरेंशिएट बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, ये आ चुका है पहले भी। हाउ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल, ये भी आ चुका है। ज्यादातर क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं। सो आखिर में ये वाला क्वेश्चन है, हाउ कैन क्रिस्मेटिक लीडरशिप हर्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से क्रिस्मेटिक लीडरशिप जो है वो हर्ट कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपसे MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए। आपको अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड जो है, स्लाइड की फाइल, या भी आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। लेकिन अगर आपको लिंक न मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।